है। देखिए खड़ा हो जाइए, खबरदार। अच्छा इतने महाने वाले जिंदा, अभी सावन का लास्ट महीना चलने जा रहा है सर। हमारे बाबा भैया सुबह का टाइम हमको पहला से पहला बोहनी करवाने वाले, कोई मर्द हमारे नाक को चढ़ा, जरा खड़ा हो रहे दे दीजिए सर, खाली चोट नहीं लगे सर जी, दूर से भीगिएगा। है देखिए ले बाबा, जरूर होगा दानी, कभी रुकेगा नहीं, समुन्द्र का पानी कभी सूखागा नहीं। दे दीजिए सर दूर में, देखिए 10 रुपया भैया दिया, क्या सर अमीर हो गए, वो गरीब हो गया नहीं सर। नाग कहता है कि जो हमको मानता है उसी को हम मानते हैं, और जो ने बिक दीजिए सर, बिक दीजिए, जो ने हमको मानता है उसको हम कभी नहीं मानते। चोट नहीं लगे माँ, उस करने में खाली चोट लगे, इन्हें तो हमको दौड़ के काट लेगा। बाबा जरा खड़ा रहिए, देने वाले जरूर होंगे, जरूर देंगे हल, देने वाले कभी नहीं चुकेंगे हल। कहना है कि नाग का पिलाया हुआ दूध कभी खाली नहीं जाएगा, और दुआ ऐसा दे दीजिए बाबा कि कभी खाली नहीं जाएगा। क्या बाबा जरा खड़ा हो जाइए, जरा सा धीरे धीरे, और जरा सा मस्त होकर खड़ा होइए, और पाछे मत अड़िए, जरा सा कैसे इंसान को दौड़ के, और ये देखिए काट लेते हैं, जरा धीरे धीरे खड़ा होइए। अच्छा और भैया और कोई हमारे साहब और कोई मानने वाले हैं, हमारे नाक को चढ़ाने वाले और कोई देने वाले हैं भैया, और कोई माँ बहन भाई और कोई चढ़ाने वाले, चढ़ा दीजिए सर, जिंदा नाग है जो, चढ़ा के जाइए हकीम, आपका जैसे काम विजय होगा सर। जो काम आपका परसों से रुका है नाग नागिन को आप देख कर जाइए, जैसे काम आपका बनेगा सर जी, ये वादा है, मेरा चैलेंज है कि जैसे काम आपका शुरू होगा सर। ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप रख लेंगे। अच्छा और कोई भैया देने वाले हैं? अच्छा एक बार सांप देखिए सर, अगिया बैताल, जो आदमी को काट लेगा और मर जाइएगा तो गाज पर चढ़ के धुआं देखेगा। आइए सर वो सांपों से हम आप लोग को थोड़ा सा हम दर्शन, ये देखिए साहब जी, ये देखिए हम करा देते हैं आपका नजरों का सामने, ये देखिए बैठ गया सर। अच्छा और कोई देने वाले हैं? और कोई भैया? चलिए बहुत जो नसीब में हुआ सर मिला, किसी को जबरदस्ती नहीं। देखिए सर ये सांप देखिए हजूर, लेकिन देखिए साहब मेरा काम है सांप दिखाना, और देखिए बाबू यही जड़ी, ये जड़ी आपका हाथ जिसे गले में पहने हुए है ना सर, अगर ये जंत्र आपका हाथ गले में है ना सर, तो कोई जहरीला चीज आप में कभी टच नहीं करेगा। अब ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती मुंह में अगर ये सांप हम रखे हुए हैं सर, और जबरदस्ती इसका मुंह में उंगलिये डाल देंगे कि लोग काटो काटो, तो कोई भी चीज आपको काट लेगा। पहले दिमाग हटाइएगा, हम किसी को गलत बोल के पैसा नहीं खाए सर। देखिए कैसे बाबा आदमी को दौड़ के काटते हैं, कैसे दौड़ के काट लेते हैं, कैसे करके इंसान को दौड़ के धर ले। अरे बाप रे बाप, आ इधर में धरिएगा, जरा सा इधर में काटिए, तो थोड़ा सा काटिए ना, काटिए। अब जियो का टावर फैल कर गया सर, अब नहीं इसको जनाइए ना, लगता जरा थोड़ा सुना दीजिए सर, इसका बैटरी शॉर्ट समझ गए ना, मतलब रिचार्ज हो गया सर। लेकिन देखिए बाबू ये जड़ी है, ये जड़ी का नाम नेहुला गजड़ी, लेकिन पकड़ने में काम नहीं आता। हाँ दरवाजा में टांग दीजिए, जहरीला सांप पीछा नहीं आपका घर में जाएगा सर, हाथ गले में रहेगा। भैया कहने में कि चाप है तब सांप है, लेकिन देखिए सर जी इसको हम गोटा बिक्री नहीं करते हैं। आप बोलिएगा उस्ताद इसको गोटा नहीं बिक्री करते हैं, तो बिक्री करते हैं कैसे? तो देखिए बाबू जी ये जड़ी को हम गिलास में ना थोड़ा थोड़ा, देखिए सर ये चाकू से ये देखिए हमने काट देते हैं, और काट के ना सर जी ये देखिए ये जड़ी को काट के इस तरीके से थोड़ा थोड़ा भैया ये देखिए हम जड़ी को जंत्र में भर देते हैं। ज्यादा कीमत नहीं लेते सर, बड़ी कम कीमत में, जरहा में भी हम लगाए थे सर, एक एक आदमी 10 गो 12 गो 6 गो 7, उसका आज बरसात है, आज कल सांप निकलता, सही बात है सर, ठंडा में सांप नहीं निकलेगा भैया, क्योंकि सांप ठंडा होता, सांप गर्म नहीं होता, ठंडा में जल्दी दिखाई सांप पीछा नहीं देगा आपको, आजकल निकलेगा, पानी पड़ जाएगा ना सर, कहीं रात में चल रहे हैं, गोड़ में जूता चप्पल नहीं, हाथ में टॉर्च नहीं रहेगा, काट लेगा सर, लाखों रुपया का जिंदगी आपका चला जाएगा, जब तक अभी इसको हम बैठाएंगे नहीं, तो ये बैठे वाला नहीं है। लेकिन देखिए भैया मैं ही जड़ी जंत्र भर कर देते 100 200 500 1000 नहीं सर, एक जंत्र का 35 रुपया लेते हैं, 5 रुपया छोड़ देते हैं, 30 रुपया लेते हैं, 30 रुपया भी देंगे बना, समझ होगा तो आज हमसे 30 रुपया खर्चा करिएगा ना, जिंदगी में याद करिएगा कि नहीं 30 रुपया देकर जंत्र बनाकर दिया सर मेरा। अच्छा ये सर अगिया बैताल देखिए, इसको बंद कर देते हैं, ये सांप देखिए, उसके बाद में जाड़ा सांप देखिए सर, देखिये बच्चा दिया, मजाक में सर बच्चा दिया दू, देखिये साहब जी, लेकिन देखिये बाबू एक जड़ी हमने काट दी है, एक जड़ी हम डालेंगे सर, देखिये गौ लोचन, गौ लोचन, और देखिये सर ये घोड़ी का जीव है, जब घोड़ी बच्चा देगा ना सर जी, तो जीव काट के गिर जाता है घोड़ी का, अब नहीं उस्ताद ये फायदा का करेगा, ये खून का करेगा, देखिये सर इसमें दिया हुआ गौ लोचन और घोड़ी का जीव, जो आदमी कहता है सपेरा जी हम पानी में जाते हमको पेशाव लगता है, पूरा नहीं मानिएगा सर, हम सर पर पानी धारते हमको पेशाव लगता है, हमको धात गिरता हमारा पेशाव चलता बराबर, हमारा पीला पेशाव होता, देखिए ना हमारा शरीर हमेशा टाइलेंट नहीं रहता, कोई काम करने का समय हमको नींद लगता है, झुक करीब नहीं आएगा सर, देखिए ये गरुड़ चिड़िया का है,
बड़ूल का है सर, जो सांप बिच्छू को गोटा खा जाता है। अरे देखे सर जी, थोड़ा सा डालेंगे मिर्गा का सिंह, और थोड़ा सा डालेंगे बांस का फूल, और थोड़ा सा डालेंगे नाव का लकड़ी, और थोड़ा सा डालेंगे सर जी ये देखे पटहा है, ये देखे जो इस पर कपड़ा धोबी लोग पीसता, और देखे भैया इसमें खैर का लकड़ी जो कथा पान में खाते हैं। जो आदमी कहता है सपेरा जी मेरा बच्चा है, रात में सोता है डर जाता है, सपना पाता है मेरे बच्चे को कोई डायन ने नजर लगा दिया है, हम दवा कराते हैं ठीक नहीं होता है, भालू का पैर है, लक्ष्मी माई का छोटा बहन, उल्लू का पंख है, देखिए सर उल्लू का पंख है, अभी भाग जानते सर साइलेंट का है, इसका पेट में देखिए सर बच्चा सर गर्भवती है, समझ गए सर, इसको इसीलिए हम ज्यादा छेड़ नहीं रहे। देखिए सर जी बच्चे को पहना दीजिएगा सर, 900 डाइन ओझा, नाक रगर के मर जाई है, आपकी बच्चा का रोमा ना करिए सोझा। ये देखिए हजूर ये भी जड़ी को हम काट देते हैं, एक सामान और हम डालेंगे सर, एक जड़ी हम जल्दी में बता दे रहे हैं सर, सादा पुला जड़ी है, सखुआ गाछ की बांझी है।